अस्सलाम वालेकुम वर, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सट्रैक्ट कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम गूगल अर्थ टू एक्सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो इसमें अगर गूगल अर्थ में आपने कोई प्लेस मार्क वगैरह लगाए हों, पॉइंट लगाए हों या पॉइंट इम्पोर्ट किए हों, उनको आप एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसके एक्स वाई जेड हासिल कर सकते हैं गूगल अर्थ से, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे गूगल अर्थ मैंने ओपन की है। यहाँ पे आपने ये पॉइंट कैसे लगाने हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो टेम्परेरी प्लेसेस है यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बना के आपने जो है इसमें अपने पॉइंट जो है वो लगाने हैं या इम्पोर्ट करने हैं या अपना कोई भी पाथ ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पे जो पहले कर रहा हूँ वो मैं पाथ ड्रा कर रहा हूँ। मैं इसको सेंटर लाइन का नाम देता हूँ फोल्डर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेरी प्लेसेस में यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, क्रिएट सेंटर लाइन का। तो यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो पाथ की ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐड पाथ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं जो नाम है वो सेंटर लाइन का दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टाइल है यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, इस लाइन की थिकनेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है कि यहाँ पे अगर तो 100% होगी तो ये थिक नजर आएगी, जैसे जैसे ये वैल्यू कम होगी इसकी जो जो है विजिबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे मेयरमेंट है, मेयरमेंट में आपने जो भी यूनिट रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इस ये जो विंडो आई है इसको आपने यहाँ पे साइड पे रख लेना है और आपने ये जो लाइन है उसको ड्रा कर लेना है। तो आप अपने डेटा के हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैं रफली यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करके ये लाइन जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो अभी पॉइंट लग रहे हैं यही जो है अभी बाद में एक्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपने को अगर कम इंटरवल पे आपने लगाने हैं या आपके पास कोई एक्चुअल इंटरवल है तो आप उस पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रफली क्रिएट कर रहा हूँ इसको। मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। ओके, यहाँ पे पाथ हमारा क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे आपके पास ये जो है पाथ में आपने कुछ चेंजिंग करनी हो तो आप इसकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी को राइट क्लिक करके ये इसके प्रॉपर्टी में यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये पाथ हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट बाकी हैं, वो पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। सेम ऑप्शन है, आपने टेम्परेरी प्लेसेस पर राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और फोल्डर बनाना है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आईसी पॉइंट के नाम से है यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट इसमें ड्रा किए हुए हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 84 नंबर पॉइंट है, इसके आगे अभी हमने इसमें ड्रा करने हैं। तो मैं यहाँ पे मार्कर पे इसको 85 का नाम देता हूँ। यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन आई है यहाँ से आपने इसको मूव करके अपने पाथ पे जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है आपने जस्ट इसको ओके करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा 85th नंबर पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी हमने इसको नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करना है, मैं जल्दी जल्दी इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा लग गया है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 87 है और यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ। मैं रफली इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लोकेशन को, आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है मैं यहाँ पे ये पॉइंट लगाता हूँ। ओके, अभी 89 नंबर है। ये नंबर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जब ये डाटा एक्सट्रैक्ट होगा तो हम वैल्यू जो है वो इसको मैच कर सके कि कौन सी वैल्यू किस पॉइंट नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे ये जो है 90 नंबर है। ओके, 91 है, यहाँ पे 91 लगा दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट हमारा 92 नंबर है, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आया। ओके, और यहाँ पे ये जो है अभी 93 है। एक पॉइंट हम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे।
इनफ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 94 पॉइंट है हमारे पास, ये जो मार्कर क्रिएट किए हुए हैं, और एक हमारे पास ये जो पाथ है जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो यहाँ पे ये जो है मैंने इसको अभी हाइड कर दिया है। अभी हमारे पास जो है दो फोल्डर हैं, एक आईसी पॉइंट के नाम से है और एक सेंटर लाइन के नाम से है। तो अभी हमने इनको जो है वो एक्सपोर्ट करना है KMZ फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, सेव टू माई प्लेसेस आर और सेव प्लेसेस एस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो है KML का फोल्डर है, तो इसमें मैं इसको वन का नाम देता हूँ, 01। तो इसको मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, जीरो वन पॉइंट्स, और इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव प्लेसेस एज पे मैं क्लिक करता हूँ और 02, और इसको मैं सेंटर लाइन का नाम दे देता हूँ। ओके, सेव हो गए, पॉइंट हमारे सेव हो गए हैं। अभी हमने ये जो है इसके साथ हमने एलिवेशन ऐड करने हैं। तो एलिवेशन ऐड करने के लिए मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है GPS विजुअलाइजर, और जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने उसको क्लिक करना है। यहाँ पे ये इंटरफेस आया है। यहाँ पे ये जो ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कन्वर्ट ए फाइल की ऑप्शन आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा एक इंटरफेस आएगा आपके पास। यहाँ से आपने ये जो आउटपुट फॉर्मेट लेना है वो प्लेन टेक्स्ट में लेना है, और यहाँ पे ये जो सेटिंग है आपने देख लेनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे लिखा है एड DEM एलिवेशन डाटा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और बेस्ट अवेलेबल सोर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। बाकी सेटिंग अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक लास्ट सेटिंग है हमारे, ये पॉइंट जब एक्सपोर्ट हूँ तो हमारे इसमें अभी हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो हमें साथ में UTM कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको UTM सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अभी मैं चूज फाइल करता हूँ। चूज फाइल, अभी हमारे पास दो फाइल थी हमारे पास जो हमने एक्सपोर्ट की है, ये दोनों फाइल हैं। मैं दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अभी कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फाइल हमारी जो है वो कन्वर्ट होके आ गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट पे आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो फाइल आपकी जो यहाँ पे डाउनलोड में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ एरो पे, और यहाँ पे ये फाइल है हमारी जो अभी कन्वर्ट हुई है, ये फाइल है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये KML के फोल्डर में ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एक्सपोर्ट के नाम से। ओके, यहाँ पे ये फाइल आई है हमारी। यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट है इसको अभी आपने ये जो है एक्सेल के साथ ओपन करना है। तो यहाँ पे ये जो है डाटा में आपने जाना है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंसेस में, यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है पहले। ओके, और डाटा पे क्लिक करना है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस और फ्रॉम टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है KML के फोल्डर में हमने ये जो है इसको अभी सेव किया था, ये फाइल है हमारी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे फाइल हमारी यहाँ पे ओपन होके आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, और UTM जोन जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी आ गए हैं, और इसके साथ एलिवेशन भी आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पॉइंट नंबर भी शो हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास जो है जो पॉइंट थे, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 94 पॉइंट थे हमारे, सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो सेंटर लाइन हमने क्रिएट की थी, इसके भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो डाटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको कंट्रोल माइनस करके आप इसको
डिलीट कर दें। अभी यहाँ पे ये जो है, अगर आपने जोन रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दें। अभी ये आपके पॉइंट जो है वो रेडी हैं, आप इसको सिविल 3D वगैरह में सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइल के लिए जैसे आपकी मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाटा हमारा बिल्कुल जो है नंबर वाइज, पॉइंट नंबर वाइज इसमें जो है वो एक्सपोर्ट होके आ गया है। तो इस वीडियो का यही टॉपिक था, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।